कैलाशपुर में एक युवक था जिसका नाम था रामू। वह मिट्टी के बर्तने बनाता था, उसी से उसका घर संसार चलता था और खाने पीने की कोई अभाव नहीं था। उनका दिन ठीक ही ठाक बीतता था। एक दिन सुबह सुबह माँ बुला के बोली, रामू तुम्हें एक बार पास के गांव में जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ वहाँ जाने से पहले तुम्हें शाम को साथ में ले जाना होगा, क्योंकि रास्ते में एक घना जंगल पड़ेगा, साथ में रहोगे तो अच्छा होगा। माँ की बात सुनकर रामू जल्द से जल्द तैयार हो गया, क्योंकि साथ में उसके गांव का दोस्त था। ओए सामू, तैयार हुआ कि नहीं? कितना समय लगेगा? हाँ हाँ चल चल, जंगल के रास्ते से जाना है ना। यही कह के वो दोनों निकल पड़े गांव के रास्ते पर। खेत नदी सारा पार हो गया और वो दोनों पहुंच गए जंगलों के रास्ते। बात करते करते दोनों आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाते जाते अचानक शाम चौंक गया और जाके डर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। रामू उसे देखकर कुछ सोचता रह गया, न जाने वो क्या सोच रहा था। हाँ? अचानक इसे क्या हो गया, छिप गया, जरूर कुछ देखा है वो। ये सोचते सोचते अचानक रामू सामने देखा, देखा सामने से एक भालू आ रहा था, मोटा लंबा चौड़ा। रामू उसको देखते ही कांपने लगा, उसका सर चकराने लगा। तभी वो मन ही मन में सोचा, अच्छा अब मैं समझा वो क्यों भागा, अभी तो मेरे पास भागने का समय नहीं है। रामू चाचा अपना प्राण बचा। ये कह के रामू मिट्टी में सो गया। अपनी आंखें सांसें दोनों बंद करके ना हिले ना डुले चुपचाप मरे जैसा सो गया। हाथ पैर सीधा करके भालू आके उसे सूंघा, उसके चारों तरफ घूमा और उसके सांसों को सुना, देखा, अपने मुंह को उसके कानों के पास ले जाके ना जाने क्या सोचने लगा। और शायद ये सोचा कि रामू मरा हुआ है। उसे मरा हुआ सोच के वहाँ से भालू चल पड़ा फिर से जंगलों के तरफ। तभी रामू अपनी एक आँख खोल के सोचा कि हाँ हाँ लगता है भालू चला गया, उठकर देखता हूँ भालू है कि चला गया। तभी रामू अपने दोनों आँख खोला और डर के मारे चारों तरफ देखा, सोचा भालू चला गया, न जाने क्या फिर मन में बड़बड़ाया, हे भगवान मेरा जान बच गया, अब यहाँ से भागता हूँ। यही कह के रामू उठ पड़ा और सामू पेड़ से नीचे उतरा। अच्छा हुआ भालू चला गया, जान तो बच गया। उसके बाद सामू रामू के पास आके पूछा मजाक करके, भालू तुझे क्या बोल रहा था, कब से तेरे कान में? सुन के सामू की बात अपने मतलबी दोस्त की तरफ घिन्ना से वो देखना भी पसंद नहीं किया, इसीलिए मुंह घुमा के वो जवाब दिया, भालू मुझे यह बोल के गया, ये जिंदगी भर तुम याद रखना, जो दोस्त तुम्हारे तकलीफ में साथ ना दे वो दोस्त तुम्हारा दोस्त होने के लायक नहीं, याद रखना। यही कह के रामू अपना मुंह घुमा के चल पड़ता है अकेले ही जंगलों के तरफ। आकाशवाणी रेडियो, आज का खबर पढ़ रहा है संजीव राठौर। आज का विशेष समाचार यह है, हमारे देश के दो फाइटर शत्रु पक्ष के दो फाइटर प्लेन को भगाकर बनगांव बॉर्डर पर तहस नहस कर दिया गया है। यह लेकर 12 शत्रु फाइटर प्लेन को तहस नहस कर दिए हैं। अपने देश के जवानों में से 4 जवान इस ऑपरेशन में अपने प्राण गंवा बैठे। हमारे देश के जवान
शत्रु पक्ष के अड्डों पे घुसपैठ किए और अंत तक वापस आ गए। शत्रु पक्ष के बैटन टैंक के कारण वापस आ गए। पृथ्वी के टेक्नोलॉजी जानने वाला देश हमारे शत्रु को पैटन टैंक देकर उसका सहायता किया है। हमारे देश में ऐसे पैटन टैंक नहीं रखने के लिए न जाने कितने जवान शहीद हो गए। बिच्छू, तुम्हें क्या लगता है दुश्मनों के पास जो पैटन टैंक है उसके वजह से हम लोग क्या हार जाएंगे? अरे नहीं रे, इतना आसान है क्या? अरे तू जानता नहीं, हम लोगों ने उसके दो प्लेन पहले ही उड़ा दिए। आओ आओ, तो चिंता मत कर। अरे नहीं यार, अरे मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। एक काम करते हैं, हम भट्टू भैया के पास जाकर बात करते हैं। आओ, बिल्कुल ठीक बोला है। एक काम कर, अच्छा बात याद दिलाया है, जल्दी चलो भट्टू भैया के पास जाकर बात करते हैं, उनसे कुछ आइडिया मिल जाएगा। आओ। आओ भट्टू भैया, आओ भट्टू भैया, भट्टू भैया आओ। भट्टू भाई, भट्टू भैया, भट्टू भैया आ, भट्टू भैया, ओ भट्टू भैया, आज का खबर सुने हो? सुना है एक पैटर्न टैंक आया है जो हम लोगों के जवानों को फटाफट मार कर गिरा दे रहा है। आओ और ढिचकाओ ढिचकाओ करके तारे जवानों को गिरा दे रहा है। आओ। अरे ऐसा क्या है? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अरे तब तो देखना पड़ेगा। एक काम करो, चलो कर्नल साहब से बात करके देखता हूँ क्या हो सकता है। अरे और ये तो बहुत ही चिंता की बात है। हो रहा कर्नल साहब का घर? हाँ। अरे चले कॉलिंग बेल जला, जल्दी बजा। अरे भट्टू, करेंगे या मरेंगे? अरे सुबह सुबह आज आ गए हो, क्या बात है? और मैं देख रहा हूँ कि दो चेलों को भी साथ में लेकर आए हो। आए, करेंगे या मरेंगे? हाय। अरे हाँ कर्नल साहब, एक बात पूछने आया हूँ। मैंने सुना है कि हम लोगों के जवान सारे मरे जा रहे हैं पेट्रोल टैंक के कारण, ये क्या सच है? हाँ भट्टू, तुमने बिल्कुल सही सुना है, इसलिए तो मैं भी तैयार हो गया हूँ, देख लो, युद्ध पे जाने के लिए। क्योंकि करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, हाय, पता नहीं लौट कर वापस आऊंगा भी या नहीं। मगर इस टैंक के वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, हाँ, क्योंकि करेंगे या मरेंगे। अरे ठीक है कर्नल साहब, आप टेंशन ना करो, आपके साथ मैं भी युद्ध पे लड़ने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ मैं भी चलता हूँ। भट्टू, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस टैंक के सामने मुकाबला करते वक्त अपने प्राण को मत गंवा देना। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो, या करेंगे या मरेंगे। हे गुरु, अब तो बड़ा मजा आएगा, अपने शत्रु पक्ष के सामने जब टैंक जब रहेगा तो अपना भट्टू उड़ जाएगा। तो यार कितना मजा आएगा। बहुत भगर 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 भट्टू किया करता था, लेकिन जब दुश्मन, अरे यार हम लोग आजाद हो जाएंगे, हम लोग जो इच्छा वही करेंगे, अरे यार हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं होगा। आओ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोच यार। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि भट्टू भैया परेशान करते हैं, लेकिन युद्ध में जाकर दुश्मनों के सामने हार जाएंगे, यह बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और भट्टू भैया जो भी हो, हम लोग के लिए बहुत मदद किए हैं। आओ कहीं ये सोच ले। आओ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, भट्टू भैया युद्ध में विजय प्राप्त करके आए, अगर वो विजय प्राप्त करते हैं तो अपना देश का नाम रोशन होगा। ठीक है बच्चू बिच्छू, अरे तुम लोग घर जाओ, मैं कर्नल से बात करके युद्ध में जाता हूँ। ठीक है भट्टू भैया, अरे विजय प्राप्त करके जल्दी घर वापस आएगा, हम लोग तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कर्नल साहब, नहीं यार, अरे भट्टू भैया का बहुत ज्यादा चिंता हो रही है।
आओ। नहीं नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, और ऐसा भी चिंता करने कोई बात नहीं है, क्योंकि बटलू भैया आज तक हार कर आए नहीं। देखना बटलू भैया विजय प्राप्त करके जरूर वापस आएंगे। आओ। कर्नल साहब, शत्रु पक्ष के जो कर्नल है, मैं उनसे पहले बात करके देखता हूँ। अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग देखते हैं क्या किया जाएगा। ठीक है बटलू, तुम सावधान होकर जाना, आए समझा? तो नहीं तो करेंगे या फिर मरेंगे। याद रखना बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम बटलू है, और आप लोग हमारे देश के जवानों को बिना मतलब के मार मार कर गिरा रहे हैं। अरे इससे तो आपका भी नुकसान हो रहा है और आप लोगों का भी नुकसान हो रहा है। अरे ये सब बंद करो। अरे तुम बटलू हो या फटलू, मुझे कोई मतलब नहीं। और वैसे भी बटलू, तुम यहाँ पर मुझे समझाने के लिए आए हो, बहुत बड़ी गलती कर दी बटलू। अरे कोई है, इस बटलू को टैंक में डालकर उसके ही इलाके में फेंक डालो, और ये तो वहाँ पहुँचेगा मगर जिंदा नहीं, राख बनकर, समझे? अरे बरखुदार, ये काम मैं ठीक नहीं किया हूँ, ये तुम बोलते हो। अरे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, पर मेरे लिए तो बिल्कुल ही लाजवाब। अरे ये तो किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा है बरखुदा। हम लोगों का गोला वापस हम लोगों की तरफ आ रहा है। अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ जाऊँ? अरे टैंक से गोले चढ़ाने के बजाय उसके शरीर पे जल्दी से चलाकर मार दो। अरे छोड़ना मत उसे, अरे वरना क्या घटना घटाएगा ये कोई नहीं जानता साईं। अरे मैं जिंदगी में ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। अरे जवानों जल्दी से गोली चला चला कर मार डालो इस शैतान को, बहुत बड़ी काम अच्छा है क्या? समझ में नहीं आया है? सब लोगों, मैं अभी तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। ये कैसा इंसान है, इससे अच्छा तो गोली खाने से पहले खुद मर जाओ। हे भगवान, आ आ आ आ आ आ बचाओ इस शैतान से, आ बचाओ। अच्छी बात है, रुको देखो अब मैं क्या करता हूँ, और मुझे देख कर भाग रहे हो, मैं कितना तुम भागोगे, भागो, मैं देखो घुमा घुमा कर कैसे देखता हूँ। मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ, मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ, मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ, आए आए मैं कैसे निकलूँ बाहर, अरे कोई मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो, आए। अरे गाँव में एक ऐसा पैकेज है जो हवा में उड़ रहा है, Thank you.
भागो। अरे कर्नल साहब, मैंने सारे शत्रुओं को पकड़ कर लेकर आ गया हूँ। इन लोगों को जो सजा देना है दो। अब ये हम लोगों के दखल किया हुआ जमीन पर हमारे ही जवान रहेंगे। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे करेंगे या मरेंगे। अरे बटलू, मैं तुम्हें क्या बोलकर धन्यवाद दूँ। देखो हमारे सारे सिपाही तुम्हें धन्यवाद देने के लिए तैयार है। कमांडर हमारे समझे बटलू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और इतना अच्छा काम कर्नल साहब, अरे ये देश के लिए मैं बहुत छोटा सा काम किया हूँ। और अपनी देश के काम के लिए कोई पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं। बस ये प्यार मुझे बनाए रखें। ए देखा, हम लोग नाम रोशन करके आ गए। आओ, बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आओ, बहुत अच्छा लग रहा है। आओ। हाँ बटलू, तुम तो ग्रेट हो, तुम लाजवाब हो, देश पे तुमको शान है। अरे बटलू समझे। अरे बटलू द ग्रेट, बटलू द ग्रेट, बटलू द ग्रेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो करेंगे और लड़ेंगे। बटलू इज द ग्रेट, बटलू इज द ग्रेट, बटलू इज द ग्रेट। और एक बार सभी को बोलना पड़ेगा, करेंगे या मरेंगे। हाय। करेंगे या मरेंगे। हाय। तो मुझे शर्मिंदगी में डाल दे रहे हैं। अरे थोड़ा सा देश के लिए क्या काम क्या कर दिया, ये तो इतना कुछ मेरे लिए करने के लिए तैयार हो गए। अरे दोस्तों, देश के लिए तो काम तुम लोग भी कर सकते हो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ना, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। महाराज विक्रमादित्य, मैंने सुना है कि आप बहुत विद्वान और बुद्धिमान हैं, लेकिन आप चुपचाप मुझे
बुद्धू जैसा कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनते सुनते पत भी कट जाएगा और पत का कष्ट भी पता नहीं चलेगा। और कहानी के अंत में एक प्रश्न करूँगा। अगर आप प्रश्न के उत्तर जानते हुए आप चुपचाप रहे तो आपके सर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर आप सही उत्तर दिए तो फिर मैं वापिस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। सुनिए महाराज, बहुत सदियों पहले मिथिला नगर में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था चित्रपुर। उर्वर जमीन, उन खेतों में फसल बहुत अच्छा होता था। उस गांव में जिधर नजर जाए चारों तरफ हरियाली नजर आती थी। गांव वालों के जीवन में कोई अभाव नहीं था। लेकिन उस गांव का एक लड़का हीरा, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जमीन जगह भी नहीं है उसका। उस गरीब हीरा के जीवन में बहुत दुख तकलीफ थी। गांव के आस पड़ोस के कृपया से कैसे भी करके जीवन बीत जाता था। आस पड़ोस वाले कभी कभी दो वक्त का खाना दे देते थे, लेकिन रोज रोज क्या ऐसे चलता है। एक दिन, आज नहीं दे पाऊंगा, और कहीं जाके मांग। हाँ? नहीं देंगे? नहीं नहीं, आज नहीं दे पाऊंगा। तो अभी जा, कल आना। हाँ, ठीक ठीक है, जा रहा हूँ। नीताई चाचा के घर जाता हूँ। चाचा जरूर कुछ देंगे, बहुत अच्छे दयालु है। जाओ, बहुत भूख लगा है। नीताई चाचा, वो नीताई चाचा, ओह तू आ गया। आज कुछ नहीं दे सकता, कह रहा हूँ। हाँ, नहीं दे सकते, बहुत भूख लगा है चाचा, कुछ दीजिए ना। हरी के घर जाना, रोज रोज मेरे पास क्यों आता है तू? उनके घर गया था मैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। नहीं दिए? अच्छा, रोज रोज कौन देगा तुझे? हाँ, ऐसे कब तक तुझे खाना देते रहेगा? हाँ हाँ, रोज रोज तुझे कहाँ से मैं दूंगा? बोल, कुछ कम नहीं कर पाता तू? क्या हुआ है नीताई, इतना सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मैं बोलूँ आपको, अब तो जानते ही हैं इस हीरक के बारे में। कब तक इसे देंगे बोलिए? ओ, ये हीरक, सच में इसको लेकर बहुत मुश्किल है। ये देखो, अभी तक यहाँ पे खड़ा है, अभी तू जा। ओए सुन, मेरे घर मत जाना, वहाँ कुछ नहीं है। क्या करेगा बेचारा, उसके बाप दादा कुछ जमीन रख देते तो। लेकिन ऐसे मांग मांग कर कितना दिन चलेगा, आप बोलिए। क्या बोलूँ मैं? नहीं नहीं, ऐसा कब तक चलेगा? हा? कैसे मैं जीऊंगा, इससे अच्छा मरना है। सच में इससे अच्छा मरना ठीक है। जा रहा हूँ, इससे अच्छा मर जाता हूँ। अब मैं यहाँ से कूद जाता हूँ, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। हाँ,
कौन रहता है वहाँ पे? पहले तो नहीं देखा। जा रहा हूँ, नीचे जाके देखता हूँ, हो सके तो कुछ खाने को मिल जाए। मरने से पहले कुछ खा लूं, भूखे पेट मरना महापाप है। कौन हो आप? पहले तो नहीं देखा। असम देखने आए हो? नहीं नहीं, मैं चित्रपुर गांव से आया हूँ। मेरा कोई नहीं है, दो वक्त खाना नहीं मिलता, इसीलिए उस पर्वत पर मरने आया था। ऐसा नहीं करते हैं बेटा, आओ आओ मेरे साथ। कहाँ? हमारे गुरुदेव के पास। चलो मेरे साथ, तुम्हारा सारा तकलीफ दूर हो जाएगा। चलिए तब। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो बच्चा तुम? गुरुदेव, ये हिरक चित्रपुर गांव में रहता है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है, भूखा है, इसलिए आपके पास लाया हूँ। आओ बच्चा, आओ मेरे पास आओ। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। आज से तुम इस आश्रम में रहना। हाँ, मेरे शिष्यों के साथ तुम भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करना। जी गुरुदेव, आप मुझे मरने से बचा लिए। उसके बाद हीरक गुरुकुल में सारे शिष्यों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगा। ऐसे ही कुछ दिनों में ही अस्त्र शिक्षा, शास्त्र शिक्षा सभी विषय में वो बहुत ही ज्ञानी हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे सभी ज्ञान में श्रेष्ठ हो गया। उसके अच्छे व्यवहार से सभी बहुत प्रसन्न होते थे। वो सभी के नजर में प्रिय हो गया। उनका जीवन हिरक, ए हिरक, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हैं? तुझे गुरुदेव बुलाए हैं। मुझे? क्यों? नहीं पता, अभी बुलाए हैं, जल्दी जा। ठीक है चलिए। प्रणाम गुरुदेव, मुझे बुलाए हैं। हाँ बच्चा, आओ आओ आओ। एक विशेष कार्य के लिए तुम्हें बुलाया हो बेटा। बोलिए गुरुदेव। सुनो, मैं कल सुबह सुबह ही हिमालय तपस्या के लिए रवाना होऊंगा। एक वर्ष तपस्या करने के बाद मैं वापिस आऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये आश्रम सौंप के जा रहा हूँ बेटा। लेकिन मैं गुरुदेव। हाँ बच्चा, आश्रम के सभी शिष्यों में से तुम विचारों में सबसे अव्वल हो, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जाता हूँ बच्चा। जी गुरुदेव, मैं आशा करता हूँ ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम अच्छे से निभाओगे अपनी जिम्मेदारी, जरूर निभाओगे तुम। मैं चलता हूँ। जी गुरुदेव। प्रणाम। सुनो बच्चों, लोभ और भोग से सर्वदा दूर रहना, हमेशा त्याग की पथ पर चलना ही तुम लोगों का लक्ष्य है। ध्यान से विद्या अर्जन करना बच्चों। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, सर्वदा त्याग के पथ पे चलेंगे। लोभ भोग हम कुछ नहीं करेंगे गुरुदेव। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ। गुरुदेव की बातों के अनुसार आश्रम की जिम्मेदारी निभाने लगा हीरक। उसके साथ साथ परिश्रम भी करता था हीरक शिक्षा की। एक दिन सुबह सुबह नदी में नहाने के वक्त
अरे ये क्या हुआ, ये किसने किया? तुम बहुत शरारती हो, तुम कैसे समझोगे कि एक ही मेरा वस्त्र था? क्या करूं मैं अब? देखूं किसी के पास अगर एक वस्त्र हो। क्या हुआ हिरक? क्या बताऊं मैं, नदी में मैं नहाने गया था, किनारे पे वस्त्र रखकर डुबकी लगाने गया, बाहर निकल कर देखा चूहा मेरा वस्त्र काट दिया, एक ही वस्त्र था, अब क्या करूं मैं? रुको रुको, ये लो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूँ, बहुत देर हो गई, पूजा भी करना है। जल्दी से बाहर निकलकर वस्त्र पहन लेता हूँ, वरना फिर से चूहा काट देगा, जल्दी जाता हूँ। ये क्या, हाय ये भी काट दिया, अब मैं क्या करूं? नहीं, कुछ तो करना होगा। हाँ, मैं एक बिल्ली पालूंगा, वो बिल्ली ही मेरे वस्त्र का ख्याल रखेगी। क्या हुआ हिरक, बिल्ली पाले हो तुम? हाँ दोस्त, बहुत अच्छी बिल्ली, इसके वजह से ही एक भी चूहा नहीं आता। ये बिल्ली घर में चूहा आने नहीं देती। वो तो ठीक है, लेकिन दोस्त इस बिल्ली को क्या खिलाओगे तुम? इस बिल्ली का खाने का बंदोबस्त कर पाओगे? हाँ हाँ जरूर कर पाऊंगा, कर लूंगा। ठीक है तो फिर हम चलते हैं। जाते हैं। सच में बिल्ली का खाना लाना होगा, वरना वो कैसी रहेगी मेरे पास? नहीं नहीं तू चिंता मत कर, जरूरत पड़े तो भीख मांगकर भी तेरे लिए खाना लाऊंगा। आह पूरा दिन इस कड़े धूप में घूम घूम कर भीख मांगना मामूली बात नहीं, लेकिन जो मिला है उससे बिल्ली के खाने के जुगाड़ दो दिन का तो हो ही जाएगा, तब तक मैं खाना बना लेता हूँ। ये लो खा लो खा लो। क्या हुआ खा लो जल्दी। क्या हुआ है दोस्त? देखो ना, खाना दिया हूँ, खा नहीं रही है। वो चावल नहीं खाती है, उसे एक कटोरी दूध दे दो, वो पी लेगी। हाँ दूध, अब क्या करूँ, दूध कहाँ से लाऊ? हाँ एक गाय पालना होगा बिल्ली के दूध के लिए, कल एक गाय खरीद के ले आऊंगा। चल 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 चल। चूहे से वस्त्र बचाने के लिए एक बिल्ली पाला हीरक, उसके खाने का बंदोबस्त के लिए एक गाय पाला हीरक, लेकिन उसका समस्या दूर नहीं हुआ, क्योंकि गाय क्या खाएगा वो ये फिर से सोचने लगा। गाय को खिलाने के लिए भी कुछ चाहिए, वरना वो मर जाएगा, लेकिन उसे पेट भर ना खिलाएंगे तो वो दूध कैसे देगा? हाँ मुझे अब फसल उगाना है, गाय का समस्या भी हल हो जाएगा और मैं कुछ बाजार में भी बेच के आऊंगा,
कुछ खेती करते हैं। चल 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 चलो 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 सीधा सीधा चलो 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 चल 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 चल। इतना मेहनत के बाद अच्छा फसल हुआ है। ठीक है, अब गाय का खाने का जुगाड़ हो गया। ये क्या, ये तो सोने का फसल हुआ है। क्या बात है, सच में सोने का फसल हुआ है। अच्छा है, तेरे गाय के खाने का जुगाड़ हो गया। अब निश्चिंत रहो। क्यों हिरक? हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ और बात। अब क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ फसल देखने के लिए एक आदमी का जरूरत है। हाँ ठीक बोल रहे हो, रख लो एक आदमी। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा आदमी रखो जो खेत गाय बिल्ली साथ में मेरे घर को भी संभाले, वो हमेशा यही रहे। हाँ ऐसा आदमी तुम्हें कहाँ मिलेगा? क्या तुम्हें ऐसा आदमी मिला है जो हमेशा तेरे घर बिल्ली का ख्याल रखे? अभी तक नहीं मिला। एक रास्ता है। कैसा रास्ता? सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। हाँ शादी? हाँ शादी, शादी करके घर में एक पत्नी लाऊंगा। वो देखभाल करेगी मेरा, मेरी गाय बिल्ली का, वो अच्छा से देखभाल करेगी। उसके बाद हीरक अपने जगह जमीन गाय बिल्ली का देखभाल कर दिया शादी। उसके बाद अपने पत्नी के साथ सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। देखते एक साल बीत गया और गुरुदेव तपस्या के बाद वापिस लौटे आश्रम में। जीते रहो बच्चों। कौन हो तुम? गुरुदेव वो मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? ये क्या बच्चा, तुम विवाह किए हो? मैं तपस्या में जाते वक्त क्या बोला था? इस आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हें दिया गया था। बोला था लोग मोह से दूर रहना और तुम विवाह किए हो, परिवार बसाए हो तुम। गुरुदेव इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। चूहे की अत्याचार से एक बिल्ली पला में और उस बिल्ली के खाने के लिए एक गाय पाला और इस गाय के लिए फसल किया और ये सब देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए मैं शादी कर लिया। महाराज गुरुदेव हीरक को आश्रम की जिम्मेदारी सौंप कर हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। जाने से पहले वो हीरक को कह गए, लो हो से सर्वदा दूर रहना। हीरा गुरुदेव के बातें ना सुनकर संन्यास त्याग करके अपना परिवार बसा लिया। आश्रम की जिम्मेदारी छोड़कर वो विवाह कर लिया। जब गुरुदेव यात्रा से वापिस लौटे तो हीरक की बातें सुनकर हीरक को सजा ना देकर गुरुदेव हंसने लगे। तो बोलिए महाराज वृतान, गुरुदेव का काम है शिक्षा दीक्षा देना। हीरक बहुत गरीब था, वो गांव में मांग मांग कर खाता था, अगर ना मिले तो भूखा रहता था।
यहाँ तक कि वो आत्महत्या करने गया, लेकिन वो आश्रम में आके वो परिश्रम करना सीखा, परिश्रम करके जीना सीखा, मेहनत करके अपना परिवार बसाया। इसीलिए गुरुदेव सोचे मेरा शिक्षा विफल नहीं गया, इसीलिए वो हासे। हाँ, क्योंकि जीने का नाम परिश्रम है। राजा बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, इसीलिए मैं फिर से उसी पेड़ पर वापिस जा रहा हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ महाराज, मैं जा रहा हूँ। कैसे हो तुम, दिखते नहीं हो आजकल तुम। हाँ, क्या करूँ, कैसे आऊँ मैं, जब मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ तभी लूसी और टॉम फंदे बिछा के रखे रहते हैं। ठीक बोल रहे हो, उन लोगों को जब तक मैं सबक नहीं सिखा लूँ मुझे भी चैन नहीं। अब वापस चलते हैं टॉम, आंटी का घर वापस आने का टाइम हो चुका है। सच में यार, ये आंटी एक झमेला है, हमेशा ही धमकाती रहती है। इतना टाइम हो गया, अभी तक लूसी बाहर घूम रहा है। रुक, आने दे, मैं उसको सबक सिखा के रहूंगी आज। ए पुसी, लूसी कहाँ है, तुम बता सकते हो? क्या मैं बोलूं आंटी, जब तक वो नहीं रहता है तब तक ही चैन रहता है मुझे। क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ आंटी, पास के घर में जो पैरोट रहता है वो आता है ना हमारे घर पे, तो हमेशा लूसी उसको खाने के ही फेर में रहता है। क्या, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत? हाँ? ओए बच्चे, इतने देर बाद आए हो, क्यों क्यों, आज कोई चिड़िया नहीं मिला तुम्हें? मतलब समझ में आया, जरूर है लूसी का। नहीं नहीं वो आंटी, वो क्या है ना, मैं चिड़िया को बहुत पसंद करता हूँ। रहने दो रहने दो, और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, अब फटाफट घर का काम खत्म कर लो, समझे? आंटी को मेरी शिकायत करता है, तेरे सामने मैं उस चिड़िया को चबा चबा के खाऊंगा। तुम जो बोले हो पुची, अगर ये बात सच है तो मुझे चौकन्ना होकर रहना होगा। तुम ठीक बोल रहे हो पैरोट, लूसी पे एकदम विश्वास नहीं, मौका मिलते ही वो तुम्हें खा लेगा। हाँ, सुन रहे हो ना टॉम, वो पुसी आंटी को बोल दिया है कि मौका मिलते ही हम लोग उस चिड़िया को खाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ करना होगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करो, सोच समझ के करो, हमें सही समय पे कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है। पता है पुसी, कल लूसी का चमचा टॉम ना मेरे घर के सामने घूम रहा था। सच में? क्या, तब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा कुत्ता है, गाड़ी में अपना पा गया। सर सर, नहीं नहीं,
मुझे छोड़ दीजिए, आपको गलतफहमी हो रहा है, मैं रास्ते पे का कुत्ता नहीं पालतू हूँ, छोड़ दीजिए, मेरी प्रेस्टीज की बात है ना, छोड़ दीजिए सर। चुप, ज्यादा बातें मत कर, हाँ चुपचाप बैठा रहा है गाड़ी में। हाँ क्या पैरोट, क्या सोच रहे हो? अब लग रहा है लूसी चिड़िया छोड़कर चींटियां खाएगा।